सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सच्चाई का रास्ता जितना कठिन है ये रास्ता उतना ही सरल भी होता है। सच्चाई के साथ जीवन जीने वाले व्यक्ति को कभी किसी बात का भय नहीं रहता। सच्चाई को स्वीकारना और सच्चाई के समर्थन में खड़ा रहना ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। सच्चाई एक ऐसा दीपक है जिसके प्रकाश में ही संसार प्रकाशित रहता है। सच्चाई को जिन जीवन में सर्वोपरि स्थान देने वाले ही असल में सम्मान के अधिकारी होते हैं। आज का पंचांग 14 मई 2024 दिन मंगलवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि सुबह 4:19 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र दोपहर 1:05 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:39 से 5:18 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर शाम 5:55 तक रहेंगे। इसके उपरांत वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। आप सभी को गंगा सप्तमी और वृषभ संक्रांति की शुभकामनाएं। कुंभ राशि 14 मई 2024 दिन मंगलवार, आप पिछले कुछ दिनों से कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। वास्तव में आज आपको यह बात महसूस होगी कि आप क्या करने जा रहे हैं और इसका आप पर काफी प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन अब आपके पास पीछे हटने का विकल्प मौजूद नहीं है। आपको इसी दिशा में विश्वास से आगे बढ़ना होगा और आपको जल्दी ही यह भी एहसास हो जाएगा कि जितना आपने सोचा था यह काम इससे कहीं मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसे असंभव मानकर छोड़ न दें। इस समय कोई बड़ी खरीद आपके दिमाग में है। अपने साथी के साथ बात करके कोई निर्णय ले। माता पिता या किसी देखभाल करने वाले के अनुभव मरम्मत या नवीनीकरण की भी योजना में सहायक हो सकते हैं। कानूनी मामलों में संगठन के लिए होने वाली बैठकें आपका समय लेगी। असंभव को भी संभव करने की लालसा है। आपकी मंजिल दूर नहीं है, बस अपने कदमों को तब तक आगे बढ़ाते रहें जब तक आपका लक्ष्य सामने न हो। कार्य को पूरा करने के लिए अपने अहंकार को छोड़कर दोस्तों और प्रियजनों की मदद लें। पालतू जानवरों और आश्रितों को आपकी जरूरत है। आज ज्यादा खाने और ज्यादा कैलोरी की चीजें खाने से बचें। व्यापार में आज अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना है। आज के दिन आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। आपके माता पिता की सेहत पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन आपके रिश्ते में सुधार लाएगा। कार्य क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए अपनी क्षमताओं को ऊंचे उठाने की कोशिश करें। आपका खाली वक्त आज किसी गैर जरूरी काम में खराब हो सकता है। आज से पहले शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही जितनी आज रहेगी। अच्छा, आपको अपने किसी कार्य के प्रति की गई मेहनत के सकारात्मक परिणाम भी मिलने वाले हैं, इसीलिए कोशिश करते रहें। घर के रखरखाव अथवा नवीनीकरण संबंधित गतिविधियों पर विचार होगा। रोचक तथा ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने में भी कुछ समय आप बिता सकते हैं। जब तक बातें अपेक्षा के अनुसार आपको हासिल नहीं होती तब तक हर एक बात नामुमकिन महसूस हो सकती है, जो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करती हुई नजर आएगी। अभी तक आपने किस प्रकार से यह हासिल किया है और कौन सी बातों में मर्जी के अनुसार बदलाव लाया है, यह अवलोकन करके अपनी सफलताओं सकारात्मकताओं को बढ़ाने की कोशिश करें। आपकी अच्छी शक्ति के नजरिए बातों में सुधार लाना संभव होगा। नए काम की शुरुआत में ही तुरंत फायदा प्राप्त करने की अपेक्षा ना करें। अनुभव के जरिए जो सीख प्राप्त हो रही है वही आपको आर्थिक प्रगति दिलाएगी। रिलेशनशिप संबंधित समस्या को आपसे सामंजस्य से ही सुलझाना जरूरी होगा। उल्टी और अपचय की समस्या हो सकती है, ध्यान रखें। जहां गर्मी ज्यादा हो ऐसे स्थानों पर यात्रा करने की योजना बन रही है तो आपको अपना ख्याल रखना होगा। आपके वचनों से दूसरों का अपमान भी हो सकता है। व्यवस्थाओं के लिए आक्रोश रहेगा।
शाम को अंदरूनी लोगों से सावधान रहें। व्यापार में भी अतिरिक्त सतर्कता रखें। सावधानियां, वर्तमान परिस्थितियों में भी संतुलन रखें। यह समय कोई भी बदलाव संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उचित। कुछ समय मित्रों व निकट संबंधियों के साथ भी जरूर व्यतीत करें, इससे रिश्तों में नजदीकी आ सकती है। बात करते हैं सेहत की। आपको अपने पार्टनर के धीरज की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। वह आपकी हर बात को अच्छे से समझ सकते हैं और आपको खुश करने की कोशिश पर भी आपके ठंडे मिजाज के बावजूद आपसे अच्छा व्यवहार करते रहे हैं। अगर आपको एक बार कुछ बुरा लग भी गया तो भी उन्हें माफ़ कर दें। वो खुद भी अपनी गलतियों से शर्मिंदा है और कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। साथी के रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान की भी आवश्यकता होती है। अगर आप अपने साथी के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो यह समय आपकी लव लाइफ के लिए संघर्ष भरा हो सकता है। अच्छा, आपकी कामुकता आपके साथी से छुप नहीं पाएगी। अपने साथी का दिल जीतने में कोई भी कसर बाकी न रखें। उन्हें उनकी पसंद को उपहार दें या सिर्फ एक गुलाब का फूल, दोनों ही सूरतों में आप उन्हें प्रभावित करेंगे। अपनी बेजान जिंदगी में चाहत का रंग भरने के लिए अपने व्यक्तित्व पर भी ध्यान जरूर दें। पति पत्नी के बीच संवाद और समझदारी का माहौल बनाए रखना, समस्याओं को साझा करना और सहयोग करना, एक दूसरे के साथ समय बिताना स्थायी और खुशहाल रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अपनी रिश्ते को मजबूत और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए भी एक अच्छा उत्कृष्ट समय बिताने का प्रयास करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहना आपके रिश्ते को स्थायी और सुरक्षित बनाए रखेगा। अपनी प्राथमिकताएं हमेशा अपनी संजीवनी रिश्ते के लिए होना चाहिए और आपके साथी या पति के साथ मिलकर उन्हें समर्थन और सहयोग प्रदान करना आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाए रखेगा। बात करते हैं करियर की। अवलोकन और विश्लेषण की आपकी शक्ति आज अपने चरम पर होगी, अतः अगर आप किसी भी नौकरी में हैं, इस कौशल की आवश्यकता है तो आज सफलता आपके कदम चूमेगी। वैज्ञानिकों, जांचकर्ताओं और शोधकर्ताओं के लिए आज एक उपयोगी दिन होगा। आज आप रचनात्मक और निष्कपट तरीके से अपने कार्यस्थल पर समस्याओं का हल खोजेंगे जो कि आपके कार्यालय में सराहा जाएगा। अभी आपकी रचनात्मकता उच्च स्तर पर है और आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सामान की बिक्री और खरीद के समय सावधान रहें क्योंकि धन का नुकसान हो सकता है। अच्छे से तैयार हो जाएं क्योंकि भविष्य में आपको किसी मुश्किल कार्य का सामना करना पड़ सकता है। अहंकार को छोड़ें, आज आपको अपने दोस्तों व सहकर्मियों का भी पूरा साथ मिलेगा। अपने ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। पालतू जानवर या आप पर आश्रित आज आपसे अतिरिक्त समर्थन की मांग कर सकती हैं। यह ठीक है कि आप व्यवसाय को लेकर सावधानी बरत रहे हैं और अपनी योजनाओं और कार्यप्रणाली को सावधानी से रख रहे हैं। व्यवसायिक जानकारी को साझा न करना एक सावधानी पूर्वक प्रतिक्रिया हो सकती है क्योंकि यह आपकी विशेष योजनाओं और रणनीतियों को सुरक्षित रख सकता है। नौकरी पेशे व्यक्तियों को भी टारगेट पूरा करने के लिए दबाव बन सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उनके साथ निर्णात्मक और सहयोगी संबंध बनाए रखें। दबाव बनाने की बजाय उन्हें प्रेरित करें और समर्थन प्रदान करें ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बात करते हैं सेहत की। हर रोज एक कप कॉफी आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है। मुलेठी की चाय भी फायदेमंद रहेगी, इससे आपके पेट की स्थिति भी ठीक रहेगी। अगर आप ये पदार्थों जैसे चाय, कॉफी आदि की मात्रा बढ़ाते हैं तो आपको पानी की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। आपके शरीर में सभी अंग सुचारू रूप से काम करें, इसके लिए अगर रोज ना हो सके तो दिन में योग के लिए जरूर रखें। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। और आज हनुमान भगवान जी के समक्ष सरसों के तेल से दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।